इस वीडियो में हम आदर्शिला मॉड्यूल भाग वन के प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझेंगे कि गतिविधि क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसके यूज़ के कैसे यूज़ करते हैं, उसके चरण क्या हैं, ये सब इसमें जानेंगे। तो सबसे शुरू में क्या है गतिविधि ये जानते हैं। छोटी छोटी रोचक क्रियाओं की एक श्रृंखला जो चिंतन को किसी एक विशेष दिशा में ले जाता है, जिससे सीखना रोचक और स्वाभाविक होता है, उसे गतिविधि कहते हैं। इसकी अन्य डेफिनेशन भी हम देखेंगे। सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलापों की श्रृंखला को ही गतिविधि कहते हैं। यानी कि गतिविधि की हम दो तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। गतिविधि की आवश्यकता क्यों? बच्चे घर परिवार के वातावरण और अपने खेलों के माध्यम से अधिक सीखते हैं, परंतु कक्षा में खेल व घर परिवार को नहीं लाया जा सकता, जबकि खेल के गुण और घर परिवार के माहौल को लाया जा सकता है। ये गुण गतिविधि आधारित शिक्षण से ही संभव है। यानी कि यह घर परिवार का माहौल और खेल जैसा माहौल हम गतिविधि से ही संभव है। गतिविधि आधारित शिक्षण से न केवल बच्चे तेजी से सीखते हैं, बल्कि पाठ्यक्रम के लक्ष्य भी सहजता के साथ पूरे होते हैं। गतिविधियाँ शिक्षक का कार्य आसान कर देती है या आसान बना देती है। गतिविधि में कौन कौन से गुण होने चाहिए? किसी भी गतिविधि में रोचकता और चुनौती दो महत्वपूर्ण गुण या पहलू होते हैं। इससे हर स्तर के सीखने वाले का जुड़ाव होता है और बार बार करने का मन भी होता है। यानी कि हर स्तर का बच्चा उसमें इन्वॉल्व होता है। गतिविधि में कौन कौन से चरण होते हैं? तो गतिविधि के चार चरण हैं, जो सीखने के चरण हैं, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन, यानी कि माहौल रचना, चिंतन और विश्लेषण, अनुप्रयोग, समेकन या समेटना और निष्कर्ष निकालना। कुछ गतिविधियों के उदाहरण हम यहाँ देखेंगे, जैसे दो बेमेल शब्दों से ऐसे वाक्य बनाना जिसमें 10 या 10 से अधिक शब्द हों। मेरे मन में 1 से 100 तक के बीच की एक संख्या है, उसका पता लगाओ। इस तरह की गतिविधि हम क्लास में करा सकते हैं, जो बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण लागू करने में क्या समस्याएं आती हैं? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हर लर्निंग आउटकम के लिए अलग गतिविधि बनाने में बहुत समय लगता है, फिर शिक्षण के लिए समय कब बचेगा? यह सवाल दरअसल गतिविधि एक फॉर्मेट की तरह होती है। कुछ निर्धारित प्रारूप के आधार पर हजारों गतिविधियां बनाई जा सकती हैं। गतिविधि का बदलाव करते समय ध्यान रखना है कि गतिविधि के मूल सिद्धांतों से कोई समझौता ना हो, यानी कि वह चारों चरणों को फुलफिल करता हो जो सीखने के हैं। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियां मुख्य रूप से चार प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित, सामग्री सहित और ICT आधारित गतिविधि। परंतु कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधियों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार से, एकल, छोटे समूह वाली और बड़े समूह वाली, अर्थात पूरी कक्षा के साथ काम करने वाली गतिविधि। अब हम बात करते हैं कि मौखिक गतिविधि किसे कहते हैं। गतिविधि के प्रकार में ही आते हैं। मौखिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं? तो भाषा में सुनना और बोलना मौखिक गतिविधियाँ हैं। ये बच्चों से संवाद स्थापित करने के लिए उपयोगी हैं। बच्चों को अपनी भाषा में बातचीत करने की स्वतंत्रता होती है। यह बड़े समूह के साथ काम करने के लिए उपयोगी हैं। कहानी, कविता, एक्टिंग, चर्चा आदि इसमें शामिल हैं। ये बड़े समूह पर। लिखित गतिविधि क्या है? छोटी कक्षाओं में बच्चों की मांसपेशियाँ विकसित नहीं होती हैं। उन्हें लिखना सिखाने के लिए कुछ पूर्व अभ्यास जरूरी है, जैसे उंगली फेराना, पैटर्न बनाना, रंग भरना, लाइन खींचना आदि। बड़ी क्लासेस में इमला, श्रुत लेख, यह लिखित गतिविधि हैं, या कोई टेस्ट आदि। ये टेक्निक के अकॉर्डिंग हम अपने स्तर से बदल सकते हैं। सामग्री आधारित गतिविधि क्या है? ऐसी गतिविधि जिसके दौरान किसी प्रकार की ठोस सामग्री या चित्र आदि का उपयोग होता है, सामग्री आधारित गतिविधि कहलाती है। बच्चों को सामग्री का उपयोग करते हुए सीखने का मौका मिलता है, इसीलिए सीखना अधिक स्थायी होता है। अवधारणाओं के विकास में इस तरह की गतिविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लास्ट, ICT आधारित गतिविधि। ICT आधारित गतिविधि यह शिक्षण का सबसे सुलभ और महत्वपूर्ण साधन है। मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए बच्चों को विभिन्न प्रकार की सीखने की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। दीक्षा पोर्टल पर बच्चों के लिए सीखने के लिए ऐसी सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह हुआ
गतिविधि के प्रकार। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।